Dear student, you have to complete the exercise of lesson number 1. First question was the Phillips, which we have already done. Then start your second question. Write any 2 benefits of a joint family, जो हमारा संयुक्त परिवार है, जिसमें हमारे सारे relationship, जैसे grandfather, grandmother, सब को इकट्ठे रहते हैं, उनकी हमें क्या फायदा है उनका. It is very easy to bring up children in a joint family. ज्वाइंट फैमिली में जो बच्चे रहते हैं उनका पालन पोषण है वो बहुत आसान हो जाता है. लाइक हर एक घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वो बच्चों की केयर कर सकते हैं, मदर फादर काम कर सकते हैं, तो उनकी जो लुक आफ्टर है वो अच्छी हो सकती है. इनके जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके मैंने साथ साथ मीनिंग भी लिखे हुए हैं, ताकि आपको उसको पढ़ के उसके मीनिंग याद रहें और आपको लर्निंग में आसान हो. The second point of joint family, the elder have their hold on their family and children do not get spoiled. इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं बड़ों की देखरेख में रहते हैं तो उन बड़ों का कंट्रोल, जैसे मैंने आपको लेसन में पढ़ाया, तो उनका कंट्रोल बच्चों पे रहता है और वो खराब नहीं होते. उनका जो परवरिश है अच्छी सी हो जाती है और वो बुरी संगत में नहीं जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who earn money in your family? आपके घर के घर में जो कौन कमाता है, यानी कि पैसे कौन लेके आता है, कमाई करता है या काम करता है. तो आप ये भी लिख सकते हो, माई फादर एंड मदर बोथ अर्न मनी इन माई फैमिली, ये भी लिख सकते हो. या फिर आप ओनली फादर भी मैंशन कर सकते हो. जिनके मम्मा भी जॉब करते हैं तो वो ये दोनों लाइने लिखेंगे, दोनों वर्ड लिखेंगे. जिनके मम्मा नहीं काम करते तो यू कैन ओनली राइट द माई फादर अर्न्स मनी इन माई फैमिली, ठीक है. अदरवाइज मैंने दोनों लिखे हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका अच्छा दोस्त कौन है. तो आप उसका नाम लिखकर डैश इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये है जो वो मेरा अच्छा गुड फ्रेंड है, ठीक है बच्चों.